एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, आज हम आए हैं एक हैलोवीन बैश में। ये हो रहा है यूएसए के शहर डेलस में। तो चलिए मेरे साथ हैलोवीन पार्टी के मजे लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीकेंड हैलोवीन के काफी सारे इवेंट्स हो रहे थे, तो हम भी आए हैं एक छोटे से हैलोवीन बैश में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बच्चों के लिए काफी सारे बाउंस हाउसेस लगाए हुए हैं। ये म्यूनिसिपल की तरफ से ऑर्गेनाइज किए हुए इवेंट्स है, तो एंट्री यहाँ एकदम फ्री है। बहुत सारी फन एक्टिविटीज है बच्चों के लिए। एंट्री होते ही यहाँ पे एक बड़ी सी वॉल है जहाँ पे ढेर सारे स्पूकी से कैरेक्टर्स है, और जो फन एक्टिविटीज बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है वो एक बड़े से इंडोर बास्केटबॉल कोर्ट में ऑर्गेनाइज की गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ ढेर सारे डायनासोर्स घूम रहे हैं। यहाँ बच्चों ने काफी अमेजिंग कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। कोई बैटमैन है, कोई स्पाइडरमैन है, बर्ड, विचेस, लॉयन, डायनो, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ। सो यहाँ बच्चों के लिए छोटे छोटे गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। फर्स्ट गेम है जिसमें पोल्स में हमें रिंग थ्रो करनी है। सो जितने भी शॉट्स बच्चों के सही लगते हैं उन्हें उतनी कैंडी या गिफ्ट्स दिए जाते हैं। बट मोस्टली काउंटर पे बच्चों को भर भर के चॉकलेट्स और गिफ्ट दिए जा रहे थे। सो हमने भी इस इवेंट में काफी सारी कैंडीज कलेक्ट कर ली। मोस्टली गेम थ्रो करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बॉल थ्रो करना है बच्चों को। नेक्स्ट गेम में काफी सारे डक्स हैं और बच्चों को कोशिश करनी है कि थ्रो करके वो डक्स को स्मैश कर सके। और यहाँ पर एक छोटी सी विच है जो ट्राई कर रही है घोस्ट को स्मैश करने का, एंड फाइनली उसने एक तो स्मैश कर ही दिया है। और ये जो नेक्स्ट गेम है, यहाँ मेरे बेटे ने थ्रो किया है और उसने थ्रो किया है नंबर 2 पे, तो उसे 2 चॉकलेट्स मिलेगी। और जो नेक्स्ट गेम है वो काफ़ी वियर्ड है। मैंने जब इस गेम को देखा तो मेरी तो हंसी ही नहीं रुक पा रही थी। क्या आपने कभी ऐसे अजीबोगरीब गेम्स खेले हैं? अगर हाँ तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि कौन से ऐसे गेम्स आपने खेले हैं। और फाइनली हमने ट्राई किया ये रिंग वाला गेम जिसमें हमें ये रिंग्स डालनी है इन स्टिक्स में, और लकीली हम एक रिंग डाल पाए। सो मेरे बेटे को मिली बहुत सारी चॉकलेट्स। सो इसी तरह हमने सारी एक्टिविटीज़ कवर की और बच्चों को तो बहुत मज़ा आ गई इन छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में। और कैंडीज़ तो इतनी सारी मिली कि बच्चों ने साल भर का स्टॉक अपने पास जमा कर ही लिया है। और यहाँ एंट्रेंस पे है लंबा सा एक घोस्टली कैरेक्टर जिससे मैं ट्राई कर रही हूँ हाई फाई करने का। और देखिए यहाँ स्पाइडरमैन बिजी है इंस्टाग्राम पे। सो हमने साथ में क्लिक किए हैं कुछ पिक्चर्स। ओवरऑल इस हैलोवीन बैश में जाकर बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत सारी कैंडीज खाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप जरूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कमेंट्स में बताइए तो ऐसे वीडियोस मैं और अपलोड करूंगी। बाय बाय।